तो हमने एक टेबल का टैग ले लिया। उस टेबल के टैग में हमें क्या करना है, सबसे पहले bg कलर, bg यानी कि बैकग्राउंड कलर, और एज इट इज ही आपको लिखना होगा जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। और उसके अंदर डबल कोट लगा के इज इक्वल टू डबल कोट अपने मनपसंद कलर जैसा ही आप देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो मैं ब्लू देना चाहता हूँ तो ब्लू कंट्रोल एस करके मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ब्लू आ जाएगा। ब्लू आ गया। तो अब जो जैसा भी आपको लगे अच्छा लगता है। दूसरा, इसी के अंदर पूरी टेबल का बॉर्डर कितना हो वो हम यहाँ देंगे। अगर हम चाहते हैं कि बॉर्डर ना हो तो यहाँ पे जीरो दे देंगे। ये भी एक ट्रिक है, देखना, ये भी एक जादू हो जाएगा आपके लिए। देखिए, अब ये डेटा बिल्कुल पर्टिकुलर वे में है, एज इट इज लाइन टू लाइन है, देख लीजिए। और बैकग्राउंड कलर भी वाइट कर देंगे तो इसका तो अब देखिए, आप इस तरह से नहीं, किसी भी तरह से HTML टैग से नहीं ला सकते। चलिए, इसके बाद आपको टेबल की विड्थ कितनी है देनी है आप, और हाइट कितनी देनी है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, एक्सेल में या फिर परसेंटेज में भी कर सकते हैं। उसके बाद ये टेबल टेबल का टैग ओपन कर दिया हमने और इसको बंद कर दिया। और इसी बीच हमें टेबल रो यानी कि ये पहले वाली स्टार्ट करेंगे हम टेबल रो, तो tr ले लेंगे यानी कि टेबल की पहली जो रो होगी वो tr, और बस tr ओपन करके यहाँ पर देखा होगा आपने टेबल यहाँ पर बंद है, ये टेबल रो खुली, ये टेबल बंद, रो बंद। तो अब इसके बीच में हमें ये हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये एक रो हमने चूज की है, रो इस रो में कितने कितने कॉलम होने चाहिए, सेल यानी के या कॉलम, 1 2 4 हैं। तो टेबल हेडिंग पहले वाली रो है ना, तो ये पहली रो है तो इसलिए टेबल हेडिंग लेना पड़ेगा। ले सकते हैं टेबल डेटा भी हम, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा सारा एक ही उसमें, तो टेबल हेडिंग ऊपर की तो नेसेसरी है। तो इसमें हम पहले उसमें, चलिए मैं इसे ठीक कर देता हूँ। पहले इसमें हम नेम इस वाले कॉलम में आए, मैथ इस और सब्जेक्ट इस इन कॉलमों में। तो हमने क्या किया, पहला पहले रो तो हमने ली, तो इस रो के अंदर जो पहला सेल है उसके अंदर नेम, दूसरे सेल में ऐसा समझ सकते हैं, दूसरे में देखो टेबल हेडिंग खुलेगी तो बंद भी होगी, जैसे टेबल रो बंद हुई टेबल टेबल भी बंद हुई इसी तरह। तो दिख रहा होगा नेम सब्जेक्ट तीन तरह के, और टेबल रो बंद यानी कि पहले वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, ये पूरी लाइन हो चुकी। उसके बाद दूसरी इसी तरह से हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ, और इसके अंदर अंदर का। और हाँ, एक बात और, हेडिंग भी अगर हम डेटा की जगह हेडिंग भी यूज करेंगे तो क्या होगा,
देखा होगा आपने, हेडिंग अगर हमने लिया है तो वो सेंटर में आ रहा है, और अगर हम हेडिंग की जगह पर डेटा लेते तो वो ऐसे लेफ्ट में टच रहता है लाइन से ऐसे। तो हमें डेटा देना है ना, तो डेटा में पहला नाम देखा होगा आपने, नाम की जगह पे नाम दो, पहले पहले वाले सेल में नेम है तो नेम, दूसरे वाले सेल में मैथ के अंक तो मैथ के अंक, तीसरे में इंग्लिश के अंक अंक, इंग्लिश के हिंदी के हिंदी के अंक, तो चार ही सेल इसके हो गए। इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे नेम और ये इसके अंक, और इसी तरह से आप इसी की कॉपी पेस्ट कर दो और नेम नेम चेंज कर दो बस, चार रो। और एक बात और, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप रो निश्चित है या कोई कॉलम निश्चित है, आप कितने भी रो ले सकते हैं कितने भी कॉलम ले सकते हैं। इसके बाद बस टेबल बंद हमने करी, पहले ही की हुई है, सेंटर भी बंद है, और ये मेरी साइट का नाम। आप इस पर से जाकर इस डेटा को उठा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरी सभी वीडियो भी मेरी इस साइट पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम एडवांस लेवल की बात करेंगे। टू नाइन एंड एट टू ये हेक्स कोड है, इसका कॉम्बिनेशन आप तरह से कर सकते हैं, वन से लेकर नाइन तक और ए से लेकर एफ तक, नोमेरिकल या फिर अल्फाबेट या दोनों का कॉम्बिनेशन करके हैश लगाओ, और टू एफ टू एफ या इस तरह का कुछ भी जो आपको समझ में आता हो, होना इन्हीं में से चाहिए। जीरो से, सॉरी ये जीरो से है, जीरो से लेकर नाइन तक और ए से एफ तक, इनको आपस में किसी भी तरह से कुछ भी कलर बनाना हो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे हैश एफ ले लिया, ए ले लिया, सी ले लिया, टू सिक्स सेवन कुछ भी समथिंग, इस तरह से आप इसको नया कलर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, सब्सक्राइब जरूर करना।